दिव्या। रुक क्यों गए? बजाओ ना, कितनी अच्छी धुन बजा रहे थे तुम। बस यूं ही अपने एक पुराने स्टेज शो की धुन बजा रहा था। अब तो बस पुरानी ट्यूनें बजा बजा कर ही अपने थिएटर की याद ताजा कर लेता हूं। दिव्या, तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? नहीं, नहीं तो। आलोक, आलोक है ना? Oh no, not again. यार समीर, तुम हमेशा मेरी चोरी पकड़ लेते हो। और तुम हमेशा मुझे धोखा देने की कोशिश करते हो, है ना? नहीं यार, मैं तो बस दिव्या को छोड़ने आया था। चलता हूँ, बाय। हेलो, मैं दिव्या बोल रही हूँ। हाँ, नहीं मैं नहीं आ सकती। हाँ ओके, बाय। किसका फोन था दिव्या? वो रत्ना का फोन था, कह रही थी उसकी बेटी हॉस्पिटल में है, मुझे बुला रही थी, मगर मैंने मना कर दिया। क्यों? कैसे नहीं मना करती, इतने दिनों बाद मौका मिला है साथ रहने का। नहीं तो रोजाना कभी रिहर्सल, कभी शूटिंग, कभी फॉर सेशन। पर वो तुम्हारी दोस्त है, उसे बुरा लगेगा अगर मैं चली गई तो? तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? नहीं दिव्या, मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम्हारी जगह कोई और होती तो एक्सीडेंट के बाद मुझे अकेला छोड़कर कब की चली गई होती। कैसी बातें करते हो आप? अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं, फिर भी तुम्हें रत्ना का दिल दुखाना नहीं चाहिए था। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन पहले उसको तो आने दो। आपकी आया, क्या नाम है उसका? रजनी। हाँ वही, कमाल है, आपको तो नौकरों के नाम भी याद रहते हैं। भाई नौकर भी तो इंसान ही होते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। इतनी देर कैसे हो गई, ये कोई वक्त है घर आने का? सॉरी मैडम जी, वो दिव्या, क्या है कि इस बेचारी के सर के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। इसका एक अपाहिज भाई है, बूढ़ी माँ है और एक बहन भी, सबकी देखभाल इसे ही करनी पड़ती है। जी जी वो, लेकिन पेमेंट तुम्हें समीर का ख्याल रखने का मिलता है, अपने घर का ख्याल रखने का नहीं। यस मैडम। आइंदा देर नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है, ये छतरी लेकर क्यों आ रही हो? बाहर कोई बारिश तो नहीं हो रही है? मैडम वो बाहर धूप बहुत है ना, चक्कर आने लगता है। ओहो, तो मैडम से धूप भी बर्दाश्त नहीं होती। दिव्या कम ऑन। अच्छा ठीक है, ये छतरी घर के बाहर रख कर आओ। जी मैडम। रजनी, दिव्या की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है। इट्स ऑल राइट सर। Cheers! तो आखिर तुम्हारा बहाना काम कर ही गया। Of course. मुझे पता है उस बेवकूफ को और बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है। पर एक बात कहूं? कहो। अब मैं इस नाटक से बोर हो चुकी हूँ। देखो स्वीट हार्ट, रिलैक्स, हम एक कोशिश तो कर ही चुके हैं। ये उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसकी जान बच गई। अब वो अंधा है, लाचार है। आई प्रोमिस यू कि अब की बार वो नहीं बचेगा। सर अपनी तरह का एक ही सेट है, ऐसा डिजाइन आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा रजनी, जरा देखो तो ये कैसा लग रहा है। ब्यूटीफुल सर। दरअसल परसों मेरी शादी की सालगिरह है। अपनी शादी की सालगिरह पर मैंने दिव्या को ये सरप्राइज गिफ्ट देने का फैसला किया है। बहुत खूबसूरत है सर और बहुत कीमती भी, मैडम को जरूर पसंद आएगा। ठीक है,
आप इसे यहीं छोड़ जाइए, सेठ जी से कहिएगा अगर मैडम ने पसंद कर लिया तो पेमेंट भिजवा दूंगा। ओके सर। सर आपको शक है कि मैडम को यह सेट पसंद नहीं आएगा? रजनी, अगर मैं देख पाता तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, मगर अब तो तुम जानती हो, अब तो अपनी हर बात पर शक होता है। मगर सर अगर आप मैडम को बता देंगे तो फिर ये सरप्राइज कहां रह जाएगा? नहीं रजनी, ये सेट मैं दिव्या को नहीं दिखाऊंगा। दिव्या की पसंद नापसंद के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा आलोक जानता है, ये मैं उसी को दिखाऊंगा। कौन? आलोक साहब? दोनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं, बल्कि ये उसी की मेहरबानी है जो दिव्या मुझसे मिली, वरना आज शायद वो मेरी जिंदगी में ना होती। मुझे कहना तो नहीं चाहिए सर, मगर आलोक साहब मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। क्यों, उसने कुछ कहा तुमसे, कोई ऐसी वैसी बात? नहीं नहीं सर, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मगर मैडम के साथ उनका क्या मतलब? मतलब मैडम के साथ उनका बातचीत करने का तरीका, हंसी मजाक। अच्छा अच्छा, अरे भाई वो ऐसा ही है, सबके साथ इश्क लड़ाने लगता है, जरा सा ओवर स्मार्ट है इसीलिए करता है, वरना दिल का बहुत अच्छा है। नहीं सर, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा रजनी, तुम जरा मोहन को कहो कि वो गाड़ी बाहर निकाले, मैं आलोक को ये सेट दिखाने के लिए जाना चाहता हूँ। सर मोहन को आलोक साहब का घर तो मालूम होगा ना? तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं इस रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ हूं। अरे इस वक्त हम लिंक रोड से गुजर रहे हैं ना? हाँ सर, आपको कैसे मालूम चला? कॉर्पोरेशन की वजह से। ये रोड पिछले कई सालों से इसी तरह उबड़ खाबड़ पड़ी है, पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है। अब देखो आगे चल के एक सिग्नल आएगा, मोहन वहां से लेफ्ट ले लेना। जी साहब। आगे यहाँ लेफ्ट में एड लैब सिनेमा होगा। हाँ सर। पहले यहाँ रविंद्र कला मंदिर हुआ करता था, मैंने यहाँ बहुत सारे स्टेज शोज किए हैं, घर से बस 8 मिनट की दूरी पर है। यहाँ का शोर बता रहा है कि हम मार्केट में आ गए हैं, बस यहीं कहीं आगे से हमें राइट लेना है। अब यहीं कहीं किसी राइट पर आलोक की सोसाइटी है। मगर कौन सा वाला राइट सर, यहाँ पर तो बहुत सारे राइट हैं। उस राइट पर एक भिखारी खड़ा होगा, वो कई सालों से वहीं खड़ा होकर भीख मांगता है। कैसे तुम्हारी मदद करेगा बाबा, अंधे को मदद करो बाबा। बस गाड़ी यहीं रोको, मोहन मैडम को घर छोड़कर वापस यहीं आ जाना। जी साहब। समीर तुम? हाँ यार, तुझसे मिलने का मन किया सो चला आया। अच्छा किया तो आ गया, बट आई एम सॉरी यार, मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना है। ओहो, ये दिव्या, दिव्या यहां पर है क्या? दिव्या, दिव्या यहां नहीं तो? मजाक मत कर यार, दिव्या की खुशबू मैं लाखों में पहचान सकता हूं, वो यहीं पर है। दिव्या, ओह आखिर तो धोखा खा ही गया। धोखा? और नहीं तो क्या, दिव्या जैस्मिन का परफ्यूम यूज करती है ना, आज हमने भी अपने कमरे में जैस्मिन का रूम फ्रेशनर यूज किया है, इसलिए तुम्हें दिव्या की खुशबू आ रही है। अच्छा अच्छा, और नहीं तो क्या, अगर दिव्या यहाँ होती तो वो तुम्हें बताकर नहीं आती। यस यू आर राइट, वो तो अपनी सहेली रत्ना के घर गई है। अरे उसने मुझे फोन नहीं किया,
एक मिनट, मैं जरा उसे फोन कर लूं। ये क्या बेल तो यहीं बज रही है? नेचुरली तुम दिव्या का फोन ट्राई कर रहे हो ना, वो तो अपना मोबाइल यहीं छोड़कर चली गई है। ओह, तभी मैं कहूं उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया, अपना मोबाइल तो वो यहीं पर भूल गई है। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम ऐसा करो उसका मोबाइल लेके जाओ। ये लो। अच्छा मैं चलता हूं आलोक। इतनी जल्दी? हाँ फिर कभी फुर्सत से आऊंगा, तुम्हें भी तो कहीं जाना है ना। हाँ वो तो है। तुम वहां क्यों रुक गई? यहां आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। I'm sorry, समीर। Sorry? Sorry for what? मुझे देर हो गई ना, रत्ना मुझे आने ही नहीं दे रही थी, कहने लगी लुक जाओ, पर मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे। परेशान तो मैं हो गया था दिव्या, तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रहा था तो पता चला कि तुम उसे आलोक के यहां भूल आई हो, और तुम्हारी सहेली रत्ना का नंबर मेरे पास था नहीं तो वहां फोन कैसे करता, और तुमने भी मुझे फोन नहीं किया। वो रत्ना के चक्कर में मैं भूल गई। कमाल है, एक तुम हो जो मुझे भूलती जा रही हो, और एक मैं हूं जो मुझे लगता है कि हर जगह तुम मौजूद हो। क्या मतलब? पता है आज मैं आलोक के घर गया था, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम वहीं पर हो और आलोक मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं। तुम जैसी प्यार करने वाली पत्नी और आलोक जैसा वफादार दोस्त मुझे और कहां मिलेंगे। यस ऑफ कोर्स। और हाँ, तुम अपना मोबाइल जो आलोक के घर बुलाई थी वो मैं ले आया। थैंक्स। मैं रत्ना को फोन कर लेती हूँ, उसने कहा था घर पहुंचते ही फोन करने को। हेलो रत्ना, मैं दिव्या बोल रही हूँ। हाँ स्वीटहार्ट, उस सूरदास को कुछ पता तो नहीं चला? नो, एवरीथिंग इज ऑल राइट। गुड, वरना मुझे तो लगा था कि वो अंधा तुम्हें तलाक दे देगा, और अगर उसने तुम्हें तलाक दे दिया तो हमारे सारे किए धराए पे पानी फिर जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। ऐसी नौबत आए उससे पहले ही कुछ करना होगा। पिछली बार तो वो सिर्फ आंखों से गया था, लेकिन इस बार वो जान से जाएगा। इस बारे में हम कल बात करेंगे। अच्छा तो तुम कल आ रही हो? ऑफ कोर्स, मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा। अच्छा बाय बाय। देखिए सर, मैं आपके लिए क्या लाई हूं। मौसमी जूस है ना? कमाल है सर, आपको हर बात पहले कैसे पता लग जाती है? हर बात नहीं रजनी, कुछ बातें पता चलने में बड़ी देर हो जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि कई बार जो चीजें आंखों की रोशनी होते हुए दिखाई नहीं देती, वो आंखों की रोशनी जाने के बाद दिखने लगती है। सर आप कुछ अपसेट हैं, मैडम से कोई बात हुई? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। हाँ सर, उस सेट का क्या हुआ जो आप मिस्टर आलोक को दिखाने ले गए थे? सेट? हाँ, वो आलोक को बहुत पसंद आया, उसने कहा कि दिव्या उसे जरूर पसंद करेगी।
मगर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़? उस सेट की एक कड़ी टूट गई। तुम एक काम करोगे मेरा? कहिए सर। ये नेकलेस जरा ज्वेलर को दे देना और उसे कहना कि इसकी कड़ी को फौरन जोड़ दे। जी, मैं अभी लेकर जाती हूँ। मोहन जी साहब, जरा इनको ज्वेलर की दुकान तक ले जाओ। जी सर। और सुनो रजनी, अगर वो कहे कि थोड़ा वक्त लगेगा तो वहीं रुक जाना, लेकिन इसे बनवा के साथ ही लेकर आना। जी सर। इस स्टिक से तो किसी को भी पता चल जाएगा कि मैं अंधा हूं। इस स्टिक की जगह ये छाता भी तो मेरा सहारा बन सकता है। टैक्सी। ये लिंक रोड अभी तक क्यों नहीं आया? अरे भैया, ये कहां से ले जा रहे हो? ये तो लिंक रोड नहीं है। ये शॉर्टकट है साहब। वो तो वैसे भी लिंक रोड पर बहुत गड्ढे हैं ना, मगर ये रास्ता भी उधर ही निकलता है साहब, मार्केट के पास। फिर ठीक है। अरे भैया, ये कौन सा शॉर्टकट है? अभी तक मार्केट नहीं आया। क्या साहब, ये मार्केट ही तो है, दिखता नहीं तुम्हें? मार्केट है मगर इतना सन्नाटा क्यों है? वो साहब आज गुरुवार है ना, मार्केट बंद है इसीलिए। अच्छा ठीक है, आगे से राइट ले लेना रिलीफ रोड पर। अभी किधर जाने का साहब? आवास सोसाइटी। इधर तो बहुत सारे सोसाइटी है साहब। आवाज सोसाइटी कौन सी है क्या पता? Damn it, वो भिखारी कहां चला गया? भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा बाबा। 10 दिन से भूखा हूं बाबा। हाँ, ये जो भिखारी खड़ा है ना, वहां से लेफ्ट ले लो। ये लो। सात माला।
तुम? तुमने ये क्या हुलिया बनाकर रखा है? पुरानी यादें ताजा कर रहा था। तुम्हें याद है दिव्या, मैंने एक बेदर्द हत्यारे की भूमिका की थी इस गेटअप में। सोचा उस किरदार को मैं दोबारा निभा पाऊंगा या नहीं, बस तुम्हारा और आलोक का रिएक्शन जानने के लिए यहां चला आया। वैसे आलोक है कहां? वो कहीं बाहर गया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर उसके लिए बेदर्द हत्यारा बन जाऊंगा। क्या सोच रही हो दिव्या? समझ गया, यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि तुम यहां हो? मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल ने सारी गड़बड़ कर दी दिव्या। उसका स्पीकर बहुत लाउड है, दूर से ही सारी आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है, और फिर मुझ जैसे अंधे के कान तो बहुत तेज होते हैं ना। मैं को समझी नहीं। सॉरी डार्लिंग, आई एम लेट। दिव्या कहां हो तुम? अरे आओ आओ रजनी। वो जूते वहां कैसे आए? आप कहीं बाहर गए थे सर? नहीं, मैं भला बाहर कहां जाऊंगा। अच्छा वो सेट का क्या हुआ? वो तो हो गया, बस छोटी सी कड़ी थी जिसे जोड़ने में आधा घंटा लग गया। अब इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह कड़ी कभी टूटी भी थी। जब मैडम यह हार पहनेंगी ना तो सचमुच बहुत खूबसूरत लगेंगी। हाँ, बहुत खूबसूरत लगेगी अगर यह हार पहनेगी तब। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब अंदर आया दरवाजा खुला था, पर अंदर दिव्या की लाश पड़ी थी। सर, घर से ना तो कोई सामान चोरी हुआ है और ना ही मरने वाली के साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई है। साफ जाहिर है कि कत्ल का मकसद सिर्फ दुश्मनी था। आपकी नजरों में कोई दिव्या का कोई दुश्मन था? सर, दिव्या के जानने वालों में से ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जिससे उसकी दुश्मनी हो। वैसे दिव्या आपकी लगती क्या थी? जी कुछ नहीं सर, आई मीन मेरी दोस्त थी। एक्चुअली वो मेरे दोस्त की वाइफ। दोस्त की वाइफ? जी सर, उनका हस्बैंड मेरा बहुत पुराना दोस्त है, और सर दिव्या को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ। क्या नाम है आपके दोस्त का? जी समीर, समीर कोठारी। वाँ 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 वाँ।
कौन? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर भारत, आपका नाम तो बहुत सुना है मैंने, पर कभी देखा नहीं, और अब तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मिस्टर समीर कोठारी हैं? जी हाँ, कहिए क्या बात है? आपकी पत्नी मिसेस दिव्या कोठारी का खून हो गया। What? ये, ये, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हुआ? कब हुआ? किसने किया खून? ये तो हमें भी नहीं पता चला अभी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है मिस्टर कोठारी की खून शाम 4 और 5 के बीच में हुआ है, और आपकी पत्नी की लाश आपके फ्रेंड मिस्टर आलोक वर्मा के घर पर पाई गई। क्या, आलोक के घर से? जी हाँ, और मिस्टर आलोक वर्मा का यह कहना है कि जब आपकी पत्नी का खून हुआ तब वो घर पर नहीं थे। अब आप हमें यह बताएंगे कि आपकी पत्नी आपके दोस्त मिस्टर आलोक वर्मा के घर पर क्या कर रही थी? इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों थिएटर आर्टिस्ट हैं, रिहर्सल के सिलसिले में वहां मिला करते हैं। आपकी पत्नी और आपके दोस्त मिस्टर आलोक वर्मा के बीच में कैसे ताल्लुकात थे मिस्टर कोठारी? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं मिस्टर समीर कोठारी कि आपकी पत्नी और आपके दोस्त के बीच में जो ताल्लुकात थे वो किस हद तक थे? वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त थे, सिर्फ दोस्त थे या कुछ और? आप साफ साफ कहिए, आपका मतलब क्या है? मैं आपसे साफ साफ पूछता हूं कि आपकी पत्नी और आपके दोस्त के बीच में ये जो ताल्लुकात थे, जो दोस्ती थी, इस पर कभी आपको कोई एतराज नहीं रहा? इंस्पेक्टर साहब, उनकी दोस्ती हमारी शादी से बहुत पुरानी है। मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था और अपनी पत्नी पर उतना ही यकीन। दाद देनी पड़ेगी आपके इस यकीन पर मिस्टर समीर कोठारी। आप जैसे पति आजकल कहां पाए जाते हैं? सर, रजनी तुम इस वक्त? सॉरी सर, मैं ये छाता वापस करने आई हूँ। छाता? सर, मैं अपना छाता छोड़कर किसी दूसरे का छाता लेकर चली गई थी। ओ। मगर मेरा छाता तो बाहर दरवाजे पर नहीं है, लगता है कोई और मेरा छाता लेकर चला गया। रजनी, मिल जाएगा तुम्हारा छाता, यही कहीं होगा। नहीं सर, वो छाता मेरे बाबूजी की निशानी थी, वो छाता उन्हें उनकी कंपनी से मिला था, उसका लोगो था BHK, और वही उस छाते की पहचान भी थी। डोंट वरी रजनी, शायद मोहन ले गया होगा, मिल जाएगा। आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर साहब, ये रजनी है, यही मेरी देखभाल करती हैं, और रजनी ये है इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर? हाँ, इनका कहना है कि किसी ने दिव्या का खून कर दिया है। क्या, मैडम का खून हो गया? किसने किया मैडम का खून? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं रजनी जी। मिस्टर कोठारी, आपको किसी पे शक है क्या? इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल तो ये बात मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि उसका कोई ऐसा दुश्मन भी हो सकता है जो उसे मार दे। मिस्टर कोठारी, आपकी पत्नी का खून हुआ है तो यकीनन उनका कोई ना कोई दुश्मन जरूर है, और मेरा दिल यह कहता है मिस्टर समीर कोठारी कि मैं उस दुश्मन का बहुत जल्द पता लगा लूंगा। नहीं साहब, समीर साहब को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, कल तो बिल्कुल यहां आए नहीं। तुम्हें अच्छी तरह याद है? जी हां साहब, और परसों ही आलोक साहब ने मुझे कहा था जब भी समीर साहब आए तो मुझे फोन करके इतला कर दें। सर, ये बिल्डिंग का लिफ्ट मैन है, इसके मुताबिक कल शाम को 4 बजे के आसपास इसने एक बूढ़े आदमी को 7वें माले पर छोड़ा था, जबकि आलोक वर्मा तो 6th फ्लोर पर रहते हैं। तो सर, हमने 7th फ्लोर पर पूछताछ भी की थी, बट वहां के लोगों का कहना है कि 4 बजे के आसपास तो क्या उन्होंने सारा दिन किसी बूढ़े आदमी को वहां देखा ही नहीं।
इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि ये बूढ़ा 7th floor से 6th floor सीढ़ियों से चल के आया है। ये वही आदमी तो नहीं श्रीवास्तव जिसकी हमें तलाश है? तुम उस बूढ़े का उलिया याद है? जी हाँ साहब, सूट वूट पहना हुआ था, हाथ में छाता था, लंबे सफेद दाढ़ी और बाल थे, और एक काला चश्मा लगा था साहब, जैसे अंधे लोग लगाते ना ऐसा काला चश्मा था साहब। आंखों पे काला चश्मा। काला चश्मा? आपका क्या मतलब है? इस शहर में मेरे अलावा और कोई काला चश्मा नहीं लगाता? जरूर लगाता होगा मिस्टर समीर कोठारी, लेकिन मिसेस दिव्या कोठारी के जानकारों की फेरिस्ट में आप एक ऐसे वाहिद शख्स हैं, आप एक ऐसे वाहिद शख्स हैं जो काला चश्मा पहनते हैं। इंस्पेक्टर साहब, काला चश्मा पहनने के लिए किसी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा नहीं लेना पड़ता। वक्ती तौर पर कोई भी इंसान काला चश्मा पहन सकता है। लेकिन मिस्टर समीर कोठारी, कोई भी यानी एक्स वाई जेड आपकी पत्नी का बिना किसी मोटिव के खून क्यों करेगा? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, जानना चाहता हूं मिस्टर समीर कोठारी कि जिस वक्त आपकी बीवी मिसेस दिव्या कोठारी का खून हुआ, आप कहां? मैं कहां जा सकता हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं घर पर ही था। अकेले? जी नहीं, रजनी भी थी मेरे साथ, आप चाहें तो उससे पूछ लीजिए। सर एकदम ठीक कह रहे हैं, वो सारा दिन घर पर ही थे। और आप? जी जी हाँ, मिस्टर समीर कोठारी घर पर थे इसका दावा आप तब कर सकती हैं जब आप घर पर रही हो। आप पूरा दिन घर पर थी? जी जी हाँ, मैं सारा दिन घर पर ही मौजूद थी। फिर से सोच लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप कहीं बाहर नहीं गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी देर के लिए? तो आपका क्या ख्याल है इंस्पेक्टर साहब, उस थोड़ी सी देर में मैं भागता हुआ, कार ड्राइव करता हुआ, सिग्नल तोड़ता हुआ आलोक के घर पहुंचा और अपनी बीवी का खून करके वापस भी आ गया? इंस्पेक्टर भारत, आप भूल रहे हैं, आप ऐसे आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं जो बिना सहारे के दो कदम तक नहीं चल सकता, वो किसी का खून क्या करेगा? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल मिस रजनी, इम्पॉसिबल बातें सिर्फ लगती हैं, वास्तव में वो होती नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने, एक अंधे अपाहिज आदमी ने अकेले जाकर अपनी पत्नी का खून किया है, तो साबित कीजिए, ढूंढिए मेरे खिलाफ सबूत, और जब आपको सबूत मिल जाए तब आप मेरे पास आइए, वरना प्लीज तब तक यहां आकर मुझे परेशान न करें। सर ये बात तो पता चल गई कि वो लड़की रजनी झूठ बोल रही है। हमने ज्वेल मार्केट में ड्राइवर मोहन के बयान की तस्दीक भी की और वहां से भी ये पता लगा कि उस रोज वो 4 से 5 के बीच में ज्वेल मार्केट में ही थी और ड्राइवर भी उसके साथ था। लेकिन सर ये बात भी समीर कोठारी के फेवर में ही जाती है, एक अंधा और अपाहिज आदमी अपने घर से अकेले इतनी दूर जाकर भला किसी का कत्ल कैसे करेगा? पता नहीं क्यों श्रीवास्तव, मेरी सिक्स सेंस ये कहती है श्रीवास्तव कि मिसेस दिव्या कोठारी का खून समीर कोठारी ने ही किया है। पर सर हाउ इज इट पॉसिबल, समीर कोठारी तो बगैर छड़ी के दो कदम ही नहीं चल सकता है। चाहता श्रीवास्तव, उस वॉचमैन ने बताया था ना कि उस बूढ़े के हाथ में एक छाता था, बड़ा सा छाता जो छड़ी के बदले में इस्तेमाल किया जा सकता है। सर बताया तो था मगर Thank you.
ये समझ लो श्रीवास्तव की सबूत मिल गया। सर अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। ऐसी भी क्या जल्दी है रजनी जी? इंस्पेक्टर भारत आप फिर यहां आ गए? जी हाँ, और मेरा यहां होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है समीर बाबू, कि मुझे सबूत मिल चुका है, लेकिन आपके खिलाफ नहीं, कातिल के खिलाफ। क्या मतलब? मतलब यह समीर बाबू कि मुझे आपकी बातों में यकीन हो गया है कि आपने मिसेस दिव्या कोठारी का खून यानी आपकी बीवी का खून नहीं किया, किसी और ने किया। श्रीवास्तव सर, इस चाते को पहचानती हैं आप रजनी जी? जी। ये आप ही का चाता है, उस दिन आपने कहा था ना कि आपके बाबूजी की निशानी है और इस पर लिखा हुआ है BHK लोगो। ये देखिए, ये लिखा हुआ है BHK। मगर आपको ये छाता कहाँ मिला? जहाँ इसे आप छोड़ आई थी, मिसेस दिव्या कोठारी की लाश के पास। What? जी हाँ, और इस छाते का उस लाश के पास मिलना ही सबसे बड़ा सबूत है कि मिसेस दिव्या कोठारी का खून रजनी ने किया है। इंस्पेक्टर क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मैडम का खून क्यों करूंगी? इस घर की मालकिन बनने के लिए, एज सिंपल एज दैट। समीर साहब को तो आपने बोतल में उतार ही लिया था, अब बच गया रास्ते का कांटा इनकी बीवी। आपने सोचा ये कि इनकी बीवी को मारने के बाद समीर साहब आप पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएंगे और आपके साथ बड़ी आसानी से शादी कर लेंगे। That's it. ये झूठ है, बकवास है। इंस्पेक्टर साहब, आप एक शरीफ और इज्जतदार लड़की के ऊपर निहायत ही घटिया और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। घटिया जरूर है समीर बाबू, लेकिन बेबुनियाद नहीं है। ये छाता चीख चीख कर कह रहा है कि वो खून रजनी जी ने ही किया है। आप खुद ही बताइए ना, ये छाता उस लाश के पास खुद ब खुद कैसे पहुंच गया? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये सच है सर। इंस्पेक्टर साहब जो कुछ भी कह रहे हैं वो एकदम सच है। मैंने ही मैडम का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं रजनी, नहीं, मुझे इतना बड़ा मुजरिम मत बनाओ, इतना तरस मत खाओ मुझ पर कि मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊं। लेकिन सर, रजनी ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी कि दिव्या का कत्ल मैंने ही किया है। वो छाता लेकर मैं ही वहां गया था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जब मुझे पता चला कि आलोक और दिव्या मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। इंस्पेक्टर साहब, वो एक्सीडेंट जिसमें कि मेरी आंखें चली गई, ये भी उन्हीं की साजिश का हिस्सा था और अब वो दोनों मुझे मार डालना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें खत्म करने का फैसला किया और उस दिन भेस बदलकर मैं आलोक के फ्लैट पर गया। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे ये हाथ जो इतनी सुरीली धुने बनाते आए हैं इतनी बेदर्दी से किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। मुझे दिव्या की मौत का कोई अफसोस नहीं है, अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि वो आलोक मेरे हाथों से बच गया। मैं जानता था समीर बाबू कि आपकी बीवी का खून आप ही ने किया है, लेकिन मैं ये बात आप ही के मुंह से उगलवाना चाहता था। And I'm sorry, मुझे
इस काम के लिए रजनी जी को निशाना बनाना पड़ा। जब आपकी बीवी का खून हुआ उस वक्त रजनी जी ज्वेल मार्केट में थी और यह बात यह अच्छी तरह साबित कर सकती थी, लेकिन यह आपके खातिर चुप रही। I'm sorry, Mr. Kothari, लेकिन हमें आपको हिरासत में लेना ही पड़ेगा। You are under arrest. ये माना समीर बाबू कि आपकी बीवी आपकी मुजरिम थी, सजा की हकदार भी थी, लेकिन सजा देने का हक सिर्फ कानून को है, सिर्फ कानून को। लाश 5 टुकड़ों में पाई गई है। साफ जाहिर है कि कत्ल करने के बाद भी कातिल का जुनून कम नहीं हुआ और इसीलिए उसने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई बहुत ही जुनूनी कातिल लगता है, कोई सर फिरा हथियारा। श्रीवास्तव, लेकिन कातिल अंदर आया कैसे? सर, जिस वक्त हम यहां पहुंचे उस वक्त दरवाजा बंद था। दैट मींस कि कातिल के पास दरवाजे की चाबी थी। या दरवाजा पहले से ही खुला था। बाय द वे, लड़की के बारे में कुछ पता चला? जी, ये कुछ कागजात हमें मिले हैं, इनसे ये पता चलता है कि इस लड़की का नाम अंजना था, और ये भी पता चलता है कि एक साल पहले वो सुवर्णा एंटरप्राइजेस के लिए काम किया करती थी। जी हाँ, वो यही काम करती थी। करीबन साल भर पहले मैंने उसे अपॉइंट किया था, लेकिन मुश्किल से 3 महीने उसने यहाँ जॉब किया और उसके बाद उसने शादी कर ली। ओह, आई सी। यानी वो
देना नहीं चाहते। ओह, आई सी। तो आपको अंजना ने यहां भेजा है। फरमाइए, क्या पूछना चाहती है वो? वो कुछ नहीं चाहती मिस्टर राज, बल्कि मैं चाहता हूँ आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल ईमानदारी से उसके आंसर दे दें। जी पूछिए। आपकी लव मैरिज हुई थी ना? जी हाँ हुई थी। तो मिस्टर राज, ऐसा क्या हो गया कि नौबत तलाक तक की आ गई? ये तो आप उसी से पूछे तो अच्छा होगा, मैं तो खुद हैरान हूं। मैं कंपनी के काम से एक महीने के लिए बाहर का गया कि उसने मुझ पर बेवफाई के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। रोज किसी ना किसी बात पर वो मुझसे झगड़ा करती और इसी तरह झगड़े बढ़ते बढ़ते बात हाथापाई तक आ पहुंची। और एक दिन एक झगड़े के बाद वो घर छोड़कर चली गई। मिस्टर राज, क्या ये सच है कि वो आपको तलाक देने के लिए तैयार नहीं? जी हाँ, वो चाहती है कि मैं उसके सामने जाकर नाक रखूं, उसके हाथ पैर जोड़कर उसको मना कर वापस लेकर आऊं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? मेरे वकील ने मुझसे कहा कि मैं उसे तलाक का नोटिस भिजवा दूं, सो मैंने भिजवा दिया। मिस्टर राज, आपको कितना अरसा हो गया है अलग रहते हुए? जी, 2 महीने। और इन सिर्फ 2 महीनों में आपने तलाक लेने का फैसला कर लिया? मिस्टर राज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जिंदगी में सचमुच कोई लड़की आ गई? सो व्हाट, अगर कोई दूसरी लड़की मेरी जिंदगी में आ भी गई हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है राज बाबू, बहुत फर्क पड़ता है। तलाक का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है और ऐसे में पति छुटकारा पाने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकता है। ओ आई सी। तो अंजना ने यह रिपोर्ट लिखवाई है कि उसे मुझसे जान का खतरा है? रिपोर्ट नहीं लिखाई उसने मिस्टर राज, रिपोर्ट नहीं लिखाई क्योंकि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं। क्या मतलब? शी इज डेड, वो मर चुकी। क्या ये कैसे हो सकता है? लेकिन लेकिन कल शाम को तो वो यहां आई थी इंस्पेक्टर, और कल रात को किसी ने उसका बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, तेज अवसार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओह माय गॉड, माय गॉड, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंस्पेक्टर, ये काम जरूर किसी वैशी दरिंदे का होगा। आप शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काम किसी जुनूनी कातिल का है और वो कोई भी हो सकता है, ये कातिल कोई भी हो सकता है। बाय द वे, आप ये बताइए कि कल शाम आप कहाँ थे? जी, मैं कल 8 बजे के बाद अपने घर पर ही था। टेंशन की वजह से एक आध पैक लेकर मैं सो गया था। कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे इंस्पेक्टर? शक करना हमारा पेशा है राजबाबू। बहरहाल, आप पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। फिलहाल के लिए गुड बाय। बात क्या है?
इस इंस्पेक्टर को रात से क्या काम हो सकता है? मुझे क्या पता? अरे तुझे कैसे पता नहीं है? तुझे तो पता होना चाहिए, आजकल तू ही तो राज की हमदम बनी हुई है। क्या किस्मत पाई है तुमने, ऑफिस की हर लड़की राज पर जान देने को तैयार है, लेकिन वो तुम पे जान लुटा रहा है। लकी गर्ल। लो राज आ गया। क्या बात है राज, क्या हुआ? ये पुलिस क्यों आई थी? किसी ने अंजना का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। क्या क्या कब हुआ ये? कुछ पता चला किसने किया? नहीं बोल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भला अंजना का कत्ल करके किसी को क्या मिल सकता है? तुम फिक्र क्यों करते हो, जो हुआ सो हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उधर भाग गया, उसके हाथ में चाकू है, उसने लड़की को मार डाला। इंस्पेक्टर भरत को फौरन इन्फॉर्म करो। हमारे सामने इसी कंपाउंड में गया है। इसी कंपाउंड में गया? इस कंपाउंड से निकलने का और कोई रास्ता तो नहीं? Are you sure? I'm very much sure, sir. कातिल अभी भी इसी कंपाउंड में होगा। Sure, तो हमें हर फ्लैट की तलाशी लेनी पड़ेगी। तुम लोग कुछ लोग जा रहे हैं ना, कंपाउंड में नजर रखना, ओके? शिवा तो चलो मेरे साथ, कम ऑन। देखो, थोड़े ऊपर जाओ।
मिस्टर राज, आप जाओ जाओ, जल्दी करिए जल्दी करो। आप यहाँ आई एम सॉरी मिस्टर राज फॉर द इनकन्वीनियंस। दरअसल बात यह कि वो जुनूनी कातिल एक लड़की को बड़ी बेदर्दी से मार के इसी तरफ भागा है वो, और हमें पूरा शक है कि इसी बिल्डिंग में आया, हम सबकी तलाशी ले रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये वो कोट है और इस छुरी पे खून लगा हुआ है। है कोई जवाब इसका? ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर, ये सब चीजें मेरे घर में कैसे आई मैं नहीं जानता। ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए, जवाब है कोई इसका? देखिए इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता ये चीजें कहाँ से आई। मैं तो चुपचाप बेखबर अपने घर में सो रहा था इंस्पेक्टर। देखिए मुझे लगता है ये जरूर किसी की मेरे खिलाफ साजिश है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है इंस्पेक्टर। बहुत अच्छे, तो आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने आपके घर में ये चीजें प्लांट की और हवा में गायब हो गया, क्योंकि आपका दरवाजा तो बंद है, ना कोई अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता है। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने के लिए, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। पुलिस स्टेशन चल के बातें करते हैं। श्रीवास्तव अंदर लो इसे। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ बोल रहा हो तुम। सबसे पहले तुमने अपनी बीवी से पीछा छुटाने के लिए उसका खून किया मिस्टर राज मल्होत्रा। उसके बाद जब तुम्हारी माशूका सुनीता ने तुम्हें खूनी जानकर तुम्हें ठुकरा दिया तो तुमने उसका भी खून कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर, मेरी बात का यकीन करो। क्यों अपने जिस्म को इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहे हो मिस्टर राज मल्होत्रा? तुम्हारे खिलाफ सबूत हमारे पास है, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना तुम चाहे मेरी जान ले लो इंस्पेक्टर, लेकिन सच तो यह है कि मुझे फंसाया जा रहा है इंस्पेक्टर, मेरी बात का यकीन करो, मैंने किसी का खून नहीं किया। हमें कोई सुराग मिल जाए। <स्थाथ
आइए बैठिए। थैंक यू। क्या लेंगे आप लोग, चाय या कॉफी? जी नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। मैं सब ये जानने आया था कि वो चीज कौन सी है जिससे ये साबित हो जाएगा कि राज मल्होत्रा खूनी नहीं। बताती हूँ। वैसे ये सबूतों से ये जाहिर नहीं होता है कि राज मल्होत्रा ही खूनी है, कोई और भी हो सकता है। वो चीज क्या है? ये चाबी का गुच्छा। इसमें एक चाबी हमारे ऑफिस की है, एक अंजना के घर की और एक राज के फ्लैट का। ये, लेकिन ये चाबियों का गुच्छा क्या साबित करता है? ये मिला कहाँ से आप? ये मुझे इसी लिफाफे में मिला जिसमें अंजना के कुछ लेटर्स और फोटोग्राफ्स भी हैं। फोटोग्राफ्स हम चारों फ्रेंड्स का है। ये है हमारे एक प्ले का जो हमने ऑफिस के एनुअल फंक्शन में किया था, और ये फोटो है राज का। लेकिन इसमें इन सब चीजों में मुझे तो कोई खास बात नजर नहीं है, आपको कुछ नजर आई? खास बात है, बात ये है कि ये लिफाफा मेरे हाथ कैसे लगा और इसमें सारी चीजें आई कैसे जो अंजना के घर से मिलना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, मैं जरा फोन देकर आती हूँ। हेलो, 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 कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो, हेलो, देवा जी, देवा जी, आप ये इंस्पेक्टर भारत हियर। व्हाट? इतनी पुलिस का बंदोबस्त होते हो, भाग कैसे गया वहां से? क्यों, कितना टाइम हो गया भागे हुए? आधा घंटा। एंड यू आर इन्फॉर्मिंग मी नाउ? चारों तरफ नाकाबंदी कर दो, उसे बचना नहीं चाहिए। ही शुड नॉट एस्केप। ओके, आउट। शिट, व्हाट हैपेंड सर? क्या राज मल्होत्रा भी फरार हो गया? हमारे वहां से निकलते ही वहां से। श्रीवास्तव, इसका मतलब वो सर की असली कातिल वही है और ये लड़की हमें बहकाने की कोशिश कर रही है। शिवाजी, मिस ज़ेबा, ज़ेबा जी। सर, कहीं वो लड़की भी तो फरार नहीं हो गई? ज़ेबा,
I just can't believe. कातिल हमारी मौजूदगी में ये सब. मैं उसे छोड़ूंगा नहीं श्रीवास्तव. I will not spare him. ये मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा श्रीवास्तव. मैं I will not spare him. सर हमने चारों तरफ नाकाबंदी करवा दी है लेकिन राज अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया. मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो गया तो कहां गया. बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि राज आखिर जेबा को क्यों मारना चाहेगा. जेबा को उसे बचाना चाहती. सर ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ वो राज के कहने पर ही कर रही हो और बाद में राज ने उसकी जुबान बंद करने के लिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया. श्रीवास्तव और इसका क्या, ये चाबियों का गुच्छा, ये तस्वीरें और ये खत. हो ना हो श्रीवास्तव इन चीजों में कोई ना कोई बात छुपी हुई है, कोई ना कोई सुराग जरूर छुपा हुआ है. ये खत उसकी बीवी ने उसे तब लिखा था जब राज एक महीने के बिजनेस टूर पे गया था और उसने लिखा था. Yes. श्रीवास्तव मुझे पता चल गया कि कातिल कौन है. श्रीवास्तव मुझे पता चल गया कि कातिल कौन है, उसका अगला कदम क्या है. इंस्पेक्टर भारत हियर. हेलो हेलो, मुझे बचा लीजिए प्लीज प्लीज, वो मुझे मार देगा. Who's speaking? बॉबी, मैं बॉबी बोल रही हूँ. 36 कैलाश अपार्टमेंट, 7 बंगला. Oh my. श्रीवास्तव मैं साथ आता हूँ. मिस बॉबी अब ठीक तो है? मैंने इसे मार दिया. ये मुझे मारना चाहता था लेकिन लेकिन मैंने इसे मार दिया. साहब यस सर, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से. ओके सर. इसमें जाना भी बाकी है, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है. आप एक वैश्य कातिल को बचाना चाहते हैं? जी नहीं, वैश्य कातिल को तो कानून सजा देगा. मैं तो सिर्फ आपको इस इल्जाम से बचाना चाहता था. बाय द वे ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे. अब मैं क्या बताऊं इंस्पेक्टर, पता नहीं कैसे ये मेरे घर में घुस आया. मैंने इसे जाने को कहा लेकिन लेकिन इसने एक चाकू निकाल लिया. मैं घबरा गई इंस्पेक्टर. ये मुझे मार डालना चाहता था, ये मुझे मार देना चाहता था इंस्पेक्टर. इसने अंजना, सुनीता और ज़ेबा को भी मार दिया और अब वो मुझे मार डालना चाहता था. लेकिन उसने खुद कबूल किया कि उसी ने ये तीनों कत्ल किए? नहीं, लेकिन तीनों कत्ल एक धार वाले चाकू के साथ किए गए हैं और इसके हाथ में भी वही चाकू था. ये भी तो हो सकता है कि वो छुरा उसने सिर्फ डराने के लिए दिखाया हो और ये भी तो हो सकता है कि वो तीनों कत्ल उसने ना किए. ये कैसे हो सकता है? इससे पहले भी तो राज के घर से
खून से भरा हुआ ओवरकोट और चाकू बरामद हो चुका है। हो सकता है मिस बॉबी की वो कोट और वो खंजर उसके घर में किसी और ने प्लांट किया हो। ये देखिए, ये है वो चाबियों का गुच्छा जिसमें से एक चाबी राज के घर की है और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से एक चाबी आपके घर की भी है। क्या क्या मतलब? मिस बॉबी, ये वो लेटर है जो राज की पत्नी अंजना ने राज को उस वक्त लिखा था जब राज एक महीने के बिजनेस टूर पे बाहर गया था। इसमें कुछ इस तरह है कि बॉबी आजकल मेरे साथ रह रही है, हम दोनों हर वक्त तुम्हारी बातें करते रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि उस घर की चाबी आपके पास रहती होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ मिस बॉबी की ये एक तस्वीर है जिसमें चार सहेलियां हैं जिसमें से तीन मारी जा चुकी हैं। ये उस नाटक की तस्वीर है जो आप लोगों ने खेला था उस ऑफिस के एनुअल फंक्शन में, याद है आपको? आपने मर्द का रोल प्ले किया था दाढ़ी मूंछ लगा के, जिसमें आप बिल्कुल पहचान ही नहीं जा रहे। ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? ये सब आपको इसलिए दिखा रहा हूं मिस बॉबी क्योंकि इसकी अहमियत मुझे समझ में आ गई, शायद ज़ेबा को भी इनकी अहमियत समझ में आ गई थी। ये चीजें आपके ऑफिस से, आप ही के ड्रॉअर से बरामद हुई, आपके ड्रॉअर से, इसीलिए आपने ज़ेबा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये तीनों खून आपने किए, आपने। मैंने? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई खून नहीं किए। आपने खून नहीं किया मिस बॉबी, तो फिर और किसने किया? आपको कैसे पता चला कि तीन खून हुए हैं? अभी आप ही ने कहा था ना, जबकि ज़ेबा को मरे हुए महज एक घंटा हुआ है और आपको इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल गई, जबकि इस बात की इंफॉर्मेशन या तो पुलिस को होनी चाहिए या तो उसको होनी चाहिए जिसने कत्ल किया है, और ये कत्ल आपने किया है। कातिल आप हैं मिस बॉबी, सिर्फ आप। हाँ हाँ, मैंने कत्ल किया है, वो तीनों खून मैंने ही किए हैं। क्योंकि मैं रात से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी मैं उससे, लेकिन उस अंजना ने राज को मुझसे छीन लिया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उन दोनों के बीच में झगड़े करवाए। अंजना राज को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसीलिए मजबूरन मुझे अंजना को मारना पड़ा। सोचा था अंजना के बाद राज मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो सुनीता की बाहों में जा गिरा, इसीलिए मुझे सुनीता को भी मारना पड़ा। लेकिन पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। पुलिस से बचने के लिए मैंने खून भरे कपड़े और चाकू राज के घर में छुपा दिया, चुपचाप अपने फ्लैट में चली गई। राज गिरफ्तार हो गया और तलाशी बंद हो गई, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि मैं भी उसी अपार्टमेंट में रहती हूँ। लेकिन ज़ेबा को मुझ पे शक हो गया, उसने मेरे सामान की तलाशी ली, तभी उसे ये चिट्ठियाँ और चाबी का गुच्छा मिला। मजबूरन मुझे ज़ेबा को भी मारना पड़ा। आपने मिस्टर राज को क्यों मारा मिस बॉबी? आप तो उससे मोहब्बत करती थी। हाँ, मैं राज से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो मुझसे नफरत करता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैंने ही अंजना और सुनीता का खून किया था। जब वो यहाँ आया तब तुम
हाँ मैं। ये छुरा यानी कि तुमने ऐसा क्यों किया बॉबी? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज, और किसी भी हालत में तुम्हारे प्यार को हासिल करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना राज, तो किसी और के भी नहीं हो पाओगे। प्यार? मेरा प्यार? अरे तुम तो नफरत के भी काबिल नहीं हो पाबी। तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे हासिल कर सकती हो? मुझे? क्या मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं कि मैं उस लड़की से प्यार करूं जिसके हाथ अपनी दो सहेलियों के खून से रंगे हुए हैं? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है राज, सिर्फ तुम्हारे लिए। Because I love you. But I hate you, Bobby. I hate you. मैं तुमसे नफरत करता हूं। नफरत, नफरत, सिर्फ नफरत। राज। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा बॉबी। नहीं राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हूं। मैं पुलिस को यहीं बुला देती हूँ। हेलो हेलो, मुझे बचाइए, ये मुझे मार देगा। प्लीज प्लीज समवन हेल्प मी। हेलो हेलो प्लीज। हु स्पीकिंग? बॉबी, मैं बॉबी बोल रही हूँ, 36 कैलाश अपार्टमेंट, 7 बंगला। हेलो हेलो, हेल्प के लिए I'll kill you. Yes! इस तरह मैंने राज को भी मार दिया। मैं बहुत प्यार करती थी, जानते हो? ये सब मैं तुम लोगों को क्यों बता रही हूं? बॉबी! क्योंकि ये सब किसी को बताने के लिए तुम लोग जिंदा ही नहीं रहोगे। मैं आपको आगाह करता हूं, हम दोनों को मारकर भी तुम बच नहीं पाओगी। डोंट मूव, आई विल शूट हिम। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी सजा कम करने की पूरी कोशिश करूँ। आई विल हेल्प यू। तुम्हें कुछ नहीं होगा बॉबी। नहीं इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम दोनों में से किसी को मार दूंगी। बॉबी, हवलदार, मत मारना इसे। बस खेल खत्म तुम्हारा। शुभ सर, ले जाओ इस वैश्य दरिंदे को यहां से। जिसे इतना भी नहीं मालूम कि प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है। प्यार करने वाले जान दे दिया करते हैं, लिया नहीं करते हैं।